भाई और जानकारी लेते हैं कि सभी विभाग से यहाँ लोग आए हैं और एक जो भारत सरकार का जो एक बहुत बड़ा विभाग है सिर्फ नोट नहीं छापता बाकी सारे काम वो विभाग करता है जिसे कहते हैं भारतीय रेल। आइए हम से जानकारी लेते हैं उसके कुछ अधिकारी कह लो या मतलब कार्यकर्ता कह लो हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, आइए हम से जानकारी लेते हैं कि इनकी जो मांगें क्या हैं। सर आपका नाम? अशोक कुमार शुक्ला, महामंत्री भारतीय रेलवे मजदूर संघ। सर आज इतना बड़ा जन सैलाब आया और इन जन सैलाब ने ये सरकार को झुकाने का काम किया, तो सर क्या मांगें हैं जो भारतीय रेलवे की? रेलवे में सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन रेलवे में रेल का कर्मचारी घट रहा है जी। आज जो भी आप समस्याएं देख रहे हैं रेलवे में, चाहे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं, उसका कारण सरकार की नीतियां हैं। और इन नीतियों में जो यूपीए के समय में नीतियां थी वही नीतियां आज भी हैं, क्योंकि इस रेलवे को चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी वो जो पहले थी वही आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। इस कारण ये सारे एक्सीडेंट होते हैं रेलवे का, जो भी आ रहा है ब्यूरोक्रेसी के कारण है। सर व्यक्ति चेंज हुआ है लेकिन इनकी जो एक व्यवस्था नीति चेंज नहीं है। जी वही चीज है। सर अभी डबल स्केल लड़के आए थे यहाँ करीब 25,000 की तादाद के अंदर जिन्होंने आईटीआई किया, फिर रेलवे ने उनसे अप्रेंटिस कराया, फिर उसके बाद में उनको निकाल दिया गया। नहीं, अप्रेंटिस कराया वो निकाल दिया गया वो एक अलग विषय है जी, लेकिन अप्रेंटिस जिन्होंने किया है उनको रेलवे में लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि पहले भी लिया जाता रहा है, आप ओपन फील्ड से लेते हैं, वो रेलवे से एक्सपीरियंस लोग हैं, रेलवे में वो हेल्प करेंगे, उनका लेने पर रेलवे का उत्पादन अच्छा होगा, इसलिए उनको रेलवे में पहले की भांति लिया जाना चाहिए। सर अभी रेलवे को ये भारत सरकार और ये सीधा सीधा डायरेक्ट कहते हैं माननीय मोदी जी, इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका क्या एक मकसद है? ये 1990-91 से जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की नीति है भारत सरकार की, वो वही नीति चल रही है, उसी के तहत पहले भी रेलवे चलती थी, अब भी रेलवे चल रही है। आने वाले समय में जो प्राइवेटाइजेशन का काम पहले भी चल रहा था वो अब भी चल रहा है। आज की डेट में आप लोग कहते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ रेलवे का 50% से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, 44 कारपोरेशंस काम कर रहे हैं, इसलिए रेलवे में कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा खुचा है उसको ये समापन की करने की दिशा में है। बार बार रेल मंत्री कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, एक एक संस्थान बन रहे हैं, बंद हो रहे हैं, आज प्रिंटिंग प्रेस बंद हो रहा है, आज रेलवे का अस्पताल बंद हो रहा है, आज डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो वाराणसी का है उसको बंद करने की योजना चल रही है, ये धीरे धीरे एक एक करके बंद कर रहे हैं, एक साथ नहीं बंद कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है कि जो सलाहकार यूपीए सरकार के थे वही सलाहकार इनके हैं। उदाहरण के लिए विवेक देवराय जी यूपीए सरकार के भी सलाहकार थे, और विवेक देवराय भी आज एनडीए सरकार के भी सलाहकार हैं। तो राजा बदला है, पटरानी तो मंदोदरी ही है, तो जैसे सलाह देगी वैसे सरकार चलेगी, इसी कारण हम लोगों को आज ये प्रदर्शन और विरोध करना पड़ रहा है। सर आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और सर ने जो बताया रेलवे के बारे में, सर अगर इन बातों को नहीं माना जाता तो अगली रणनीति क्या होगी? सर आप अपना नाम बताएं। मेरा मंगेश देशपांडे, भारतीय रेलवे मजदूर संघ का अध्यक्ष करके जिम्मेदारी है जी। और आज जो भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन काम हो रहा है, इसके अंदर में रेल के उद्योग के द्वारा जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो रेल के अंदर में जो नीतियाँ चल रही है वो नीतियाँ अगर सही ढंग से नहीं है, कामगारों का अगर उसके ऊपर अन्याय अगर होता है तो भारतीय रेलवे मजदूर संघ निश्चित रूप से संघर्ष करेगा। और जो नीति आयोग है वो नीति आयोग के कारण हमारे कामगारों के ऊपर में बहुत बड़ा अन्याय होने की संभावना है, इसलिए हम सरकार को इस प्रकार का निवेदन कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आप इसका पुनर्गठन करिए, अगर आप पुनर्गठन नहीं करेंगे तो संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये भारतीय रेलवे मजदूर संघ की रणनीति है। सर ये जैसे कि आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और यहाँ नेताओं ने अपनी स्पीच दी, सर कभी कभार आपने देखा कि जितने यूनियन बनते हैं जितने संघ बनते हैं उन्हें बुला के एक तरफ बात कर ली जाती है, फिर वही मजदूर ठगा महसूस करता है, तो इसमें आप इनको कितना खड़े उतरेंगे? देखो भारतीय मजदूर संघ और मजदूर संघ इसमें बहुत डिफरेंट है, हम नॉन पॉलिटिकल मजदूर संघ है, हम किसी के ही दबाव के नीचे काम करने वाले संगठन नहीं है। बाकी अन्य जो ट्रेड यूनियन है वो हो सकता है कि पॉलिटिकल्स होने के कारण किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस कारण वो दबते हैं,
भारतीय मजदूर संघ किसी के भी दबाव के अंदर न होने के कारण, नॉन पॉलिटिकल होने के कारण, हम लोग निश्चित रूप से चाहे कोई भी सरकार हो मगर वो कामगार विरोधी अगर नीतियाँ अगर अपनाती है उसमें अगर सुधार नहीं लाएंगी तो निश्चित रूप से संघर्ष करना ही करना है और निश्चित रूप से करेंगे।